जय श्री काल भैरव। मेरा नाम निशांत तिवारी है और मैं एक इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। प्रेजेंटली मैं धनबाद में वर्क कर रहा हूँ। जो एक्सपीरियंस है मेरा गुरुजी के मतलब सानिध्य से और कैसे मैं यहाँ पे पहुँचा और मेरी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरा सौभाग्य है, जीवन का सर्वोत्तम सौभाग्य है कि मैं मुझे अपने गुरुजी का सानिध्य मिला। कहाँ से शुरू करूँ ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन फिर भी जो प्रथम मुझको जो जानकारी मिली वो मुझे YouTube के माध्यम से, ऐसे ही मैं वीडियोस देखता था तो एक दिन गुरुजी का वीडियो एक क्लिक किया तो उसको देख रहा था, मैं सुन रहा था, सुनते सुनते सबसे पहला मेरा यही अनुभव था कि सुन रहा था, सुनते सुनते ही मेरे आँखों से अश्रु बहना अपने आप ही चालू, मैं समझ नहीं पाया ये क्या हो रहा है। तो प्रथम बार तो मैंने इग्नोर किया, तो अलग अलग और भी वीडियोस आ रहे थे, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा और बढ़ा। तो एक दो दिन बाद फिर मैं एक दूसरा वीडियो देख रहा था, जब दूसरा वीडियो देखा तो भी फिर वही अवस्था, तीसरा वीडियो देखा तो भी वही अवस्था, चौथा पाँचवा वीडियो देखा तो भी वही अवस्था। तो मतलब कहीं ना कहीं से वहाँ पे कुछ ऐसा मतलब घट रहा था जो मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अनवरत आंसू मेरे बहने लगते थे। जैसे अभी भी मैं स्मरण कर रहा हूँ तो आँखों में मेरे पानी मतलब आने लग रहा है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस इस तरह से शुरू हुआ। तो फिर मैं सोचा कि नहीं, और चूँकि मेरी आध्यात्मिक यात्रा लगभग बचपन से ही मैं थोड़ा सा एकाकी स्वभाव का रहा हूँ, और ऐसे भी मतलब छोटे पे भी जब भी ऐसा रहता था तो कभी ध्यान करता था, कभी आसमान को तारों को देखता रहता था, तो कुछ विचित्र बचपन से ही घटता था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे बड़े हुए और समझ में आया, तो ये समझ में आया कि नहीं, इस क्षेत्र में अगर डूबना है तो बिना गुरु के ये संभव नहीं हो सकता। तो ये यात्रा मेरी बहुत पहले से शुरू थी, मैं खोज रहा था गुरु सानिध्य भी या कहीं से भी। फिर बीच में जब मेरा यंग कॉलेज डेज थे तो कुछ गलत मार्गों पे भी मेरा मतलब जाना हुआ, जैसे शराब मांस ये सब मतलब गलत तरीके से व्यसनों में इन्वॉल्वमेंट भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे आध्यात्म भी मेरा साथ में कहीं ना कहीं चल रहा था। तो जब मैंने वीडियोस देखे तो फिर मुझे लगा कि नहीं मतलब यहाँ पे मुझे एक बार जरूर जाना चाहिए, तो मैंने गुरुजी को मैसेज किया। तो बहुत मतलब बहुत हृदय से पूरा एकदम भाव से मैंने मैसेज किया था और अपनी अवस्था भी बताई गुरुजी से कि गुरुजी मतलब मैं वो इस चीज़ को मैं खोज रहा हूँ, लेकिन मतलब मुझे कहीं मार्गदर्शन, मतलब बहुत जगह पे मैं भी गया, कौन सा ऐसा तीर्थ नहीं था जहाँ पे नहीं गया होऊंगा, कामाख्या, बनारस, राजस्थान में गिरनार, पहाड़ों पे ऋषिकेश, सब देखता रहता था साधु, मैं मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ घटा। तो गुरुजी ने बोला आ जाओ, वही मतलब फिर कुछ गुरुजी के सामने तो मतलब ऐसा आज भी रहता है कि आंखें नहीं उठती हैं, तो वो कुछ ऐसा विचित्र घट रहा था साथ में। और फिर गुरुजी ने ध्यान के बारे में भी बताया, तो बोले कि अब ध्यान किया करो रेगुलर। फिर मैं मतलब पहले भी ध्यान करता था, लेकिन अब क्या था कि क्योंकि गुरुजी ने बोला था तो ये एक रेगुलरिटी एक मतलब जीवन के अंग में मेरे बदलने लगा। ध्यान के दौरान बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे, वो एक बार तो स्वप्न में मैंने देखा कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी से कई जन्मों का मतलब कई जन्म पहले से भी मतलब मेरा संबंध है, कुछ ऐसे पहाड़ों के बीच में गुरुजी हैं और हम हैं साथ में और भी गुरु भाई लोग थे, तो इस तरह के कई बार स्वप्न भी आए हमको। और लगातार मतलब इस तरीके से जीवन में उतार चढ़ाव तो खैर चल रहा था, लेकिन मेरा मन एक जगह यहीं पर एकाग्र रहता था, एक अलग प्रकार का आनंद, एक अलग प्रकार की चेतना ही अंदर में मतलब उनका स्मरण आते ही और भूलते तो कभी नहीं। और मंत्रों का भी मतलब कितने ऐसे थे जो मतलब ऐसे जाप, एक बार गुरुजी ने पितृयज्ञ का मुझको कराया, पितृदोष का पूजन, पितृ शांति का, तो गुरुजी ने मतलब कुछ मंत्र दिए थे, उन मंत्रों के माध्यम से मैं जब किया तो मुझको ऐसा लगा कि मेरे सारे पितृ मेरे अगल बगल आके खड़े हैं, जिसमें मतलब मैं उनका चेहरा तो मतलब अपने दादा दादी का ही समझ पा रहा था, और भी बहुत सारे लोग थे जिनका मैं देख नहीं पा रहा था। और जैसे जैसे मैं वो तर्पण कर रहा था वैसे वैसे मुझको ये दिख रहा था कि वो लोग तृप्त हो रहे हैं, और अगल बगल विचित्र ही सराउंडिंग, मतलब इस तरह के अनंत अनुभव हैं, कितने अनुभव बताए गए अपने से। मतलब मैं तो यही कहूँगा कि गुरु
का जो शरण है, शरणागत, समर्पण, पूर्ण समर्पण, यही एक मतलब उपाय है अगर कोई आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहता है तो। क्योंकि गुरु के चरण में ही सारे कुछ है, वहाँ पर समर्पित होकर सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होता जाता है। मेरा तो अपना व्यक्तिगत अनुभव यही है कि कभी कुछ किसी चीज़ की इच्छा नहीं हुई कि गुरुजी से मैं कहूँ, और आज तक किसी चीज़ की ऐसी मतलब कमी भी नहीं हुई जो मुझे नहीं मिला, तो मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने आप को संतुष्ट मानता हूँ, बाकी समाज क्या कहता है, जमाना क्या कहता है, मुझे उससे कोई बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं आनंदित हूँ, एक उमंग सदैव मेरे मन में रहता है, और अंतः प्रेरणा ये मिलती है कि सेवा भाव, समर्पण, मर्यादा। जो एक चीज़ मैं मतलब सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आध्यात्मिक मार्ग में मर्यादा सर्वोपरि है, मर्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत गजब का मतलब, मर्यादा को उल्लंघन कभी भी आध्यात्मिक मार्ग में नहीं करना चाहिए। और गुरु का मतलब ये सर्व मतलब मुझे तो लगता है कि गुरु मार्ग पे चलना का ये सबसे अहम सूत्र है जो सभी आध्यात्मिक पंथ के लोगों को अपनाना चाहिए। मर्यादा का पालन सदैव करना चाहिए। तो गुरु के भाव को, गुरु के प्रेम को, गुरु के इशारों को ये समझने का प्रयास करना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब कोई पूर्ण समर्पित हो, बिना समर्पण के, बिना मर्यादा के, बिना सेवा भाव के ये चीज़ें संभव नहीं है। और अपने जीवन का तो अनुभव, बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं गुरु से जुड़े हुए, आज उसको करीब 4-5 साल हो रहे हैं 2017 से ही, तो अनंत अनुभव है। कभी ध्यान में विचित्र चीज़ें दिखना, या स्वप्न के माध्यम से दिखना, या मंत्र जाप के समय विचित्र विचित्र ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ, या ऐसे ऐसे चीज़ें जिनको मतलब बताने पे शायद कोई कल्पना लगे लोगों को, लेकिन मैंने उन चीज़ों को अनुभव किया है। और अब की स्थिति हमारी ये है कि अब संतुष्टि हो गई है, संतुष्ट मन में है, गुरुजी का स्मरण सदैव रहता है, और आज उनकी ही कृपा से जो कुछ भी मुझे समझ में आता है या है, सब गुरु कृपा ही है। गुरु कृपा से ऊपर कुछ भी नहीं है इस संसार में। बाबा भैरव इष्ट रूप में मुझे प्राप्त हुए गुरु कृपा से ही, तो गुरु से उत्तम कोई कुछ हो नहीं सकता। और अगर मैं सभी दर्शक लोगों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि अगर आप भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में हैं तो अवश्य एक बार गुरु जी से संपर्क करें, या संपर्क साधने का, खैर गुरु जी से संपर्क साधना भी इतना आसान नहीं है, उनकी परीक्षाएँ बहुत विकट होती हैं, बहुत बहुत कठोर होती हैं परीक्षाएँ, लेकिन फिर भी जो जिसका लगन पक्की होगी और मन सच्चा होगा तो वो राम भी मदद करते हैं, गुरु जी का सानिध्य अवश्य प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करूँगा। जय श्री काल भैरव, जय श्री काल भैरव, जय श्री तारामणि गुरुभ्यो नमः।